Assalamualaikum, welcome to Desi French Kitchen. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज हम बनाएंगे नान. इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए 600 ग्राम मैदा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून पार्सली, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून लेवल करके नमक का, 1 टीस्पून चीनी, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1.5 टेबलस्पून यीस्ट, 1 अंडा, नीम गरम पानी, दूध हसब ज़रूरत और तेल अपने जायके के हिसाब से. इसके अलावा आपको घी चाहिए बाद में जब नान बन जाएंगे उस टाइम लगाने के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक बड़े बाउल में हम सबसे पहले मैदा डालेंगे. अब हम उसमें पार्सली, मिल्क पाउडर, नमक, चीनी, अजवाइन, बेकिंग सोडा और यीस्ट डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और उसके बाद अंडा डाल देंगे. इसको हम नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह गूंद लेंगे. आटा हमारा अच्छी तरह गूंद गया है. इसको हम एक गर्म जगह पे कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे. तीन घंटों के बाद हम हाथों पे ऑयल लगा के आटे को एक दफ़ा फिर गूंद लेंगे. उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे. इनको अब हम एक दफ़ा फिर कवर करके 10 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे. 10 मिनट हो गए हैं. अब हम इनको बेल के इनके नान बना लेंगे.
नानों को हमने एक बेकिंग ट्रे पे शिफ्ट कर लिया है। इन पे अब हम दूध लगा लेंगे एक ब्रश के साथ। उसके बाद हम पूरे नान पे कांटा इस तरह मार लेंगे। लास्ट में हम इस पे इस तरह तेल लगा लेंगे। ओवन को हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब हम उसमें ये बेकिंग ट्रे डाल देंगे। हमारे नान तकरीबन 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं 220 डिग्रीज पर। हर ओवन का लेकिन अपना हिसाब होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से देख लें। ये देखिए नान हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन पे घी लगा लेंगे। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपके कैसे बने।